Good afternoon. Today we will know about the I sound in phonic junction. Okay. आज हम लोग फोनिक जंक्शन में आई साउंड के बारे में डिस्कस करेंगे। मैम ओके यस मैम नंबर 76 मैम ओपन किए ओके सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रही बेटा ओके गुड बेटा क्या करिए कोई भी माइक नहीं ऑन करेगा यस मैम ओके चलिए रीड करते हैं रीड दिस लाइन फ्रॉम द पोयम यही से रीड करना है ना सभी को यही से पढ़ना आप सभी को Yes, ma'am. माइक ऑन करिए अनुष्का अनुष्का ऑन द माइक इसको रीड करिए बेटा अनुष्का इल ड्रेस इल बैक इल पैक माय बैग इट्स टाइम टू ग्रेट ब्रांड न्यू डे विथ अ ब्राइट And cheerful smile. Put on your tie, your socks, your shoes, and tidy up your hair. Okay. I'll brush, I'll bath, I'll pack my bag. It's time to greet a brand new day with a bright and cheerful smile. Put on your tie, your socks, your shoes, and tidy up your hair. चलिए आप रीड करिए इसी पैराग्राफ को शुभांगी चलिए आप इसी पैराग्राफ को करिए इसको बेटा रीड करिए मैम रीड दिस लाइन फ्रॉम द पोएम आई ब्रश आई बैग आई पैक माय बैग It's time to greet and brand new day. It's a bright With a bright and cheerful smile, put your tie, your socks, your suit, and tidy up your hair. Okay. चलिए आप रीड करिए खुशी on the mic. खुशी बेटा माइक ऑन करिए. I am packed my bag. Smile.
Pet name put on. Put. Put on. Or. Put on your tie. Beta, put on your tie. Put on your tie. Your socks. Your socks. Your shoes. Your shoes. And today up. Your hair. Okay, good. Hair. In the words bright, smile, tie, I, and my. The letters I, G, H, I, E, I, I, N, Y. Make the same sound. अभी आपने जो सेंटेंस रीड किया इसमें जो वर्ड्स हैं ब्राइट वर्ड्स स्माइल टाई आई एंड माय द लेटर्स में जो लेटर्स हैं आई जी एच एंड आई आई ई एंड आई एंड वाई मेक द सेम साउंड सभी एक जैसे साउंड बना रहे हैं ओके लेटर सब में अलग है लेकिन साउंड सभी का सेम है सभी में आई साउंड जो है सेम है However, they are written differently. लेकिन किस प्रकार से ये अलग तरह से लिखे जाते हैं ये लिखे गए हैं अलग तरह से लेकिन साउंड सभी का सेम है जैसे यहाँ पे ब्राइट है स्माइल है टाई है आई है माय है सभी जो है इस सभी का साउंड सेम है यहाँ पे सेम आई साउंड है लेकिन लिखे अलग तरीके से गए हैं सभी में स्पेलिंग अलग है ओके यस मैम लेट्स रीड सम मोर चलिए yes, कि और भी वर्ड हम रीड करते हैं जैसे यहाँ पे है आई ई चीज को रीड करिए हर्षित ऑन द माइक हर्षित बेटा आ जा रही है आपको हर्षित माइक ऑन करिए लेटर भी साथ में पढ़िए लेटर के साथ रीड करना आपको के आई टी ई के K I T K I T I M E time W I D wide F I N E file R I S E write S H I N E sign. Okay, stop. K I T E kite T I M E time W I D E wide F I L E file R I S E क्या होगा ये जी आगे रीड करिए इसको रीड करेंगे अंशु पासवान ऑन द माइक गुड टाई पाई लाई फ्राइड आगे रीड करिए इसको रीड करेंगे आनंदधर ऑन द माइक आनंदधर यस मैम क्या आप रीड करिए यहाँ पे इस कॉलम को रीड करिए चाइल्ड काइंड गुड चलिए आगे रीड करिए श्रियांक ऑन द माइक श्रियांक मेरा माइक ऑन करिए इस कॉलम को आप रीड करोगे रीड करें जल्दी से मैम लाइट ब्राइट सिंग साई साई बताइए एस आई जी एस साई यहाँ पे देखिए आई जी एस जो है आई साउंड निकल रहा है इससे आई जी एस लिखा साउंड आई निकल रहा है साई होगा नाइट हाइट ओके वन मिनट बेटा कोई ये माइक ऑन किया उसके यहां से आवाज आ रही है वेट फॉर सम टाइम सभी को हमने म्यूट कर दिया आप जिससे कहेंगे वही माइक ऑन करके आंसर देगा बाकी कोई माइक नहीं ऑन करेगा जो ऑन करेगा उससे रीडिंग नहीं करवाएंगे हम जो खुद से माइक ऑन करेगा उससे रीडिंग नहीं करवाएंगे यस अनन्या ऑन द माइक अनन्या माइक ऑन करिए yes, आप
आप रीड करिए इस कॉलम को यहाँ पे. My cry why? Why? Sky, my cry why? यहाँ पे देखिए लेटर सभी में अलग अलग है लेकिन सभी का साउंड आय से हो रहा है. ओके, सभी आय साउंड सभी में निकल रहा है. जैसे यहाँ पे काइट, टाइम, वाइड, फाइल, राइस, साइन. यहाँ पे देखिए आय के साथ ई है लेकिन उसका साउंड जो है केवल आय ही हो रहा है. ओके, यहाँ पे देखिए भी आय के साथ ई है. टाई, पाई, लाए, फ्राइड. यहाँ पे देखिए आय साउंड निकल रहा है. यहाँ पे सिंगल आय है, यहाँ पे आय के साथ कुछ भी नहीं है कोई भी लेटर. तो यहाँ पे देखिए आय साउंड इसका भी है. आय, हाय, चाइल्ड, काइंड. अब यहाँ पे आय जी एच है लेकिन यहाँ पे इसका भी साउंड आय ही हो रहा है. ओके, लाइट, ब्राइट, साई, नाइट, हाई. अब यहाँ पे देखिए वाय, वाय है लेकिन लेटर लेकिन इसका साउंड जो है आय हो रहा है. इसको रीड करने पे आय साउंड निकल रहा है यहाँ पर. स्काई, माय, क्राई, वाय. चलिए आप रीड करिए अमन गुप्ता. अमन ऑन द माइक. यस मैम. चलिए आप रीड करिए यहाँ पर. Kite, time, eyed, file, rise, sign. Okay. Mic off कर लो. Yes, Rama Tiwari on the mic. Rama. Rama बेटा mic on करिए. बेटा आपके नेटवर्क नहीं इसलिए आपकी आवाज क्लियर नहीं है. ओके, कोई बात नहीं. आदित्य यादव ऑन द माइक. आदित्य मैम टाई, मैम टाई, मैम टाई पाई, लाई, टाई पाई, लाई, फ्राइड. ओके, चलिए आगे देखते हैं, एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं आप. रीड द गिवन स्टोरी. यहाँ पे स्टोरी राइट है, आपको इसको रीड करना है. अंडरलाइन द वर्ड्स दैट हैव द आई साउंड. आपको साथ में स्टोरी रीड करनी है, साथ में आई साउंड के वर्ड्स को अंडरलाइन करना है. जितने भी आई साउंड के वर्ड्स में है स्टोरी में उस सभी वर्ड्स को आपको अंडरलाइन करना. चलिए स्टोरी रीड करते हैं और साथ में आए साउंड के वर्ड्स को अंडरलाइन भी करते हैं. ओके, सुमित ऑन द माइक. सुमित आवाज नहीं जा रही साथ. ओके, अमन पासवान ऑन द माइक. अमन मेरा माइक ऑन करिए. चलिए आप रीड करिए स्टोरी. आपके काइट फ्लाइंग, स्टोरी का नेम है काइट फ्लाइंग. अब चलिए इसको रीड करिए. वन डे अनुप, वन डे अनुप, अनुप फाउंड चाइल्ड क्राइ. अनुप was a kindman, so kind he बेटा listen. अमन किंड कैसे होगा? किंड में आय साउंड कहाँ से आएगा? फिर किंड बोलोगे तो मैं काइंड होगा. किंड बोलोगे तो फिर ई साउंड हो जाएगा. आपको आय साउंड बोलना है यहाँ पे. काइंड होगा. अभी आपने रीड किया वन डे अनुप फाउंड अ चाइल्ड क्राइंग. वन डे मीन्स एक दिन. अनुप क्या पाता है? अ चाइल्ड, एक बच्चे को देखता है, एक बच्चे को पाता है. क्राइंग जो कि रो रहा था, एक रोते हुए बच्चे को पाता है. अनुप वाज अ काइंड मैन. अनुप जो एक दयालु व्यक्ति है. अनुप एक दयालु व्यक्ति है. इस लाइन में देखिए वन डे अनुप फाउंड अ चाइल्ड क्राइंग. अब यहाँ पे देखिए आई साउंड का वर्ड कौन सा है? Child. Good.
child and crying. Child and crying को underline करिए. Child and crying को underline करिए. Have you done? Yes. Ma'am done. Okay. Yes, ma'am. आगे read करेंगे. अभी किसने नहीं read किया है? Yes, Subhangi on the mic. Ma'am, Anu was a kind man, so he stopped by to ask that child. Stopped by to ask the child why she was crying. Okay, good. अनुप वाज अ काइंड मैन. अनुप जो है दयालु व्यक्ति है. अब इस लाइन में आई साउंड का वर्ड कौन सा है? मैम काइंड. काइंड मैम काइंड. यस, तो काइंड मैम काइंड. काइंड को अंडरलाइन करिए. मैम डेड. ओके, अनुप जो है दयालु व्यक्ति है, दयालु व्यक्ति था. सो ही स्टॉप बाय द टू आस्क द चाइल्ड व्हाई शी वाज क्राइंग. इसलिए वह लड़की को रोकता है, रोने से उसको रोकता है, पूछता है कि वह क्यों रो रही है, उसको उससे रोने का कारण भी पूछता है, उसको चुप कराता है और रोने का कारण भी पूछता है कि क्यों रो रही है. यहाँ देखिए इस लाइन में चाइल्ड व्हाई शी वाज क्राइंग. अब इस लाइन क्राइंग और मैम क्राइंग मैम लिटिल मैम गर्ल मैम. वन मिनट बेटा, कहाँ पहुंच गया? अभी वहां पे पहुंचे ही नहीं, इस लाइन में पूछ रहे हैं अभी ना, जो भी आपने रीड किया. सो ही स्टॉप बाय मैम चाइल्ड. चाइल्ड एंड क्राइम हो गए. चाइल्ड. ओके रमा बेटा, वीडियो ऑन करिए. रमा ऑन द माइक. अनुष्का ऑन द माइक. मैम द चाइल्ड ही वाज क्राइंग द लिटिल गर्ल. द लिटिल गर्ल रिप्लाइड. One minute. Reply to. Yes. यहाँ पे देखिए. आप यहाँ पे उसी वर्ड को अंडरलाइन करना जहाँ पे आए साउंड, जैसे यहाँ पे है इस तरह के साउंड जिसमें निकल रहे हैं. कभी आपने इसमें कलर किया, अंडरलाइन किया चाइल्ड क्राइंग आगे. यहाँ पे आपने किया चाइल्ड भी होगा, काइंड भी होगा. अब इस लाइन में द लिटिल गर्ल रिप्लाइड दैट शी वांटेड अ काइट बट डिड नॉट हैव द मनी टू बाय वन. द लिटिल गर्ल रिप्लाइड, रिप्लाई में सोचा उत्तर देना. छोटी बच्ची ने उत्तर दिया दैट शी वांटेड अ काइट कि उसे पतंग चाहिए है, उसको पतंग चाहिए था बट डिड नॉट हैव द मनी, लेकिन उसके पास मनी नहीं है टू बाय वन, एक भी पतंग खरीदने के लिए उसके पास मनी नहीं था. उसे पतंग, वो चाहती थी मेरे पास भी पतंग हो, लेकिन उसके पास मनी नहीं थे पतंग खरीद सके. तो यहाँ पे देखिए इस लाइन में द लिटिल गर्ल रिप्लाइड, यहाँ पे वर्ड्स कौन सा है आई साउंड का? लिटिल गर्ल मैम रिप्लाइड. गर्ल नहीं होगा, गर्ल कहाँ से होगा? गर्ल नहीं होगा. मैम क्या इसमें गर्ल को अंडरलाइन नहीं करना है? गर्ल नहीं है साउंड गर्ल वर्ड. लिटिल भी नहीं है, लिटिल भी नहीं होगा. यहाँ पे देखिए रिप्लाइड है. रिप्लाइड को अंडरलाइन करिए. मैम करे. रिप्लाइड के बाद आपको करना मैम काइट. काइट मैम रिप्लाइड मैम काइट.
मैम डाइड लिटिल को मत करना ओके लिटिल में आई साउंड निकल ई साउंड निकल रहा लिटिल आई साउंड नहीं है इसमें लिटिल को मत कलर करना अंडरलाइन नहीं करना लिटिल को इसमें अंडरलाइन करना आपको रिप्लाइड को काइट हैव यू डन मैम हैव यू डन ओके अनुप टूक द चाइल्ड नियरेस्ट काइट शॉप अनूप जो है उस बच्ची को नजदीक के काइट शॉप पे ले गया एंड बॉट हर अ काइट उसके लिए पतंग खरीदा ही फेल्ट नाइस व्हेन द लिटिल गर्ल स्माइल्ड उसे अच्छा लगा जो वो लिटिल गर्ल को मुस्कुराते हुए देखा उसे अच्छा लगा अब देखिए यहाँ पे कौन से वर्ड्स हैं आई साउंड के चाइल्ड मैम काइट चाइल्ड काइट दोनों काइट को अंडरलाइन करिए चाइल्ड को करिए मैम चाइल्ड मैम काइट मैम काइट मैम काइट मैम चाइल्ड चाइल्ड काइल्ड अगले काइल्ड के बाद ही फेल्ट नाइस व्हेन द लिटिल गर्ल स्माइल्ड यहाँ पे देखिए नाइस स्माइल्ड नाइस एंड स्माइल अंडरलाइन किया क्या है हमारे पास वहां पर लाफिंग कर रहे हो आप दे वेंट टू अ नियर बाय पार्क वो नजदीक के पार्क में पहुंचे अनुप टॉट अनुप ने सिखाया द गर्ल गर्ल को क्या सिखाया टू फ्लाई द काइट पतंग उड़ाना सिखाया उसे द काइट वेंट हाई काइट जो ऊपर चली गई अप इन द स्काई स्काई में ऊपर उड़ने लगी काइट They had a wonderful time. उनके पास आश्चर्यजनक समय था. अब यहाँ पे देखिए इस सेंटेंस में कहाँ पर आई साउंड के वर्ड्स हैं? मैम काइट. मैम काइट. काइट. मैम काइट. हाई. मैम टाइम. मैम टाइम. मैम टाइम. टाइम होगा, काइट होगा, हाई होगा. स्काई को मत करना. ओके यस मैम स्काई को नहीं करना मैम मैम ही इज नॉट बैट जीएस क्या मैम ही इज नहीं होगा ही नहीं होगा मैम यस आई जी एच ही नहीं हाई है वो उसको उसको अंडरलाइन करना हाई को ही नहीं है वो हाई है हैव यू डन यस मैम ओके बुक्स ही ओपन करिए मैम पेज नंबर 35 फोनिक जंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है 35 पेज नंबर पे फोनिक जंक्शन ये रहा मिला सभी को यस मैम ओके यस मैम अब इससे भी हम लिख सकते अब बोलना नहीं किसी को वर्स जो वर्स इसमें राइट है उसको रीड करिए सर्कल द वर्स वर्स को सर्कल करिए दैट हैव द आई साउंड एज इन काइट जिस वर्स के पास आई साउंड हो एज इन काइट काइट के समान काइट के जैसा जिसमें आई साउंड निकल रहा उसी वर्ड को सर्कल करना है इसमें काइट की साउंड निकल रही हो ऐसे वर्ड जिसमें काइट की तरह साउंड निकल रहा हो
उस वर्ड्स को आपको सर्कल करना है। जैसे यहाँ पे है राइट है एच आई टी, एच आई टी क्या होगा? हिट। इसको करना है, तो करना है इसको मैम हिट, इसको सर्कल करना है हिट को। मैम हिट को सर्कल करना है। माइक ऑफ करो। राज वर्मा बेटा वीडियो ऑन करिए, राज वीडियो ऑन करिए। आदित्य यादव ऑन द माइक, आदित्य आप रीड करिए वर्ड्स को जो राइट है यहाँ पर। मैम हिट, मैम हिट, मैम पाए, हिट मैम पाए, मैम खाए, मैम मैम मेल, मैम मिल्क, मैम मेंट, मैम मेंट, मैम मैम ए, मैम फील, मैम मैम आप देखिए यहाँ पे वन मिनट लिसन हिट क्या ये काउंट का वर्ड है? मैम बेट बड़ा हिट आज काउंट का वर्ड है नहीं है इसको, नहीं इसको सर्कल नहीं करना है। आगे देखिए पाए ये है कि नहीं? मैम है, इसको सर्कल करिए पाई को। आगे देखिए थाई, इसको भी करिए थाई को भी। यस मैम। माइल को करिए एम आई एल माइल, मैम करें। माइल आफ्टर मिंट है, इसको नहीं करना है, मिंट नहीं करना है, मिंट को नहीं करना है, सिट को भी नहीं करना है। नेक्स्ट हाई, हाई को सर्कल करिए। हाई के बाद बिट, इसको नहीं करना है। आपको पाई को करना है, थाई को करना है, माइल को करना है और हाई को करना है। इसमें फोर वर्ड yes, जो कि आई साउंड के वर्ड्स हैं। एज काइट, काइट की तरह। yes, Have you done? Well done. Second question देखते हैं क्या है? Mom, क्या पूछ रहे हो? Hit को करना है। Hit भी आज sound कहाँ पे निकल रहा है? जो hit को करना है। Hit को करना है first sentence। Mom, करना है। Mom, सकते हो इसको? जहाँ पे आज sound है काइट की तरह उसे को करना है केवल। बाकी किसी वर्ड्स को नहीं करना है। इसको रीड करिए जहां भी काइट कितना साउंड निकल रहा हो जिस वर्ड्स में उसी वर्ड को अंडरलाइन उसको सर्कल करना है, बाकी को नहीं करना है। अब रीड करना है उसको करना। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, लेबल द पिक्चर्स। आपको पिक्चर का नेम राइट करना है। पिक्चर देख किसका नेम राइट करना है। फर्स्ट पिक्चर क्या है? श्रेयांक यू टेल। श्रेयांक ऑन द माइक। वाच है ये, बहुत ही अच्छी। यस मैम। वाच राइट करेंगे, पढ़ रहे हैं आई साउंड लिखेंगे वाई। वाच लिखना है मैम। टाइम, टाइम होगा, गुड। यहाँ पे टाइम राइट करना है, टी आई एम ई टाइम। वाच नहीं लिखना है, वाच क्लॉक नहीं लिखना है। आगे क्या राइट करेंगे? सेकंड पिक्चर देखिए मैम राइट, मैम राइट, राइट है ये, मैम राइट, राइट है, मैम राइट, मैम टिकट, राइट में आई साउंड कहाँ पे निकल रहा है?
मैम टिक टिक होगा गुड मैम राइट राइट लिख होगा ये टी मैम टिक टी आर सी मैम टिक ये बल्ब है ना यस मैम यस मैम आई लाइट लाइट राइट लाइट यहाँ पे लाइट राइट करेंगे एल आई जी एस टी लाइट लाइट बल्ब को राइट कर देना मैम लाइट ये क्या है मैम लाइट मैम डाइस स्पेलिंग क्या है मैम डाइस मैम डाइस मैम डाइस सी आई सी डाइस मैम डी डी आई सी ई मून राइट करेंगे ना यस मैम राइट होगा मून राइट करेंगे स्टार्स राइट करेंगे यस यहाँ पे नाइट राइट करेंगे ना ही मून ना ही स्टार यहाँ पे नाइट राइट करेंगे नाइट जी एस टी नाइट यहाँ पे बॉय राइट करेंगे ना बॉय है ना नो मैम क्राइंग ओके क्राइंग आर वाई क्राइंग कुछ भी राइट कर दूं बॉय मत राइट कर देना नहीं बॉय राइट कर दो क्राई क्राई क्राइंग दोनों से कुछ भी राइट कर दो हैव यू डन मैम डन ओके हसित ऑन द माइक हसित द माइक माइक ऑन करिए जल्दी से आपने क्या राइट किया यहाँ पे मैम टाइम टाइम आगे मैम 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 नाइट आपसे नहीं पूछ रहे हंसते से पूछ रहे हैं कोई बीच में बोलेगा नहीं जिससे राइट लिखे हो यहाँ पे राइट कैसे होगा हर्षित राइट कैसे होगा यहाँ पर हर्षित आवाज जा रही है आपको यस मैम यहाँ पे राइट कैसे होगा आपको आई साउंड राइट करना आई साउंड का वर्ड राइट करना है राइट नहीं होगा ध्यान से देखो हम ऐसे क्या करते हैं ऐसे करते हैं तो ये किसका निशान है जल्दी बोलिए हंसते से पूछे बीच में कौन बोल रहा है हमें बताया कि आपको बताया आप राइट कर चुके हो तो क्यों बोल रहे हो हंसते से पूछ रहा है ना हंसते बेटा बोलिए यहाँ पे क्या राइट करेंगे यहाँ पर सेकंड पिक्चर सर आपको आवाज नहीं जा रही है क्या कर रही हूँ कोई बात नहीं सुमित ऑन द माइक सुमित माइक ऑन करिए चलिए बोलिए आपने यहाँ पे क्या राइट किया है सुमित बोलेंगे ही नहीं अंशु पासवान आप बताइए आपने क्या राइट किया अंशु आवाज जा रही है चलिए बोलिए क्या राइट किया यहाँ पर यहाँ पर
यहाँ पर भाई बताया गया फिर आईटी नहीं किया क्या आपने अभी इसको यहाँ पे टिक होगा टी आई सी के टिक मैम टिक यहाँ पर क्या होगा मैम लाइट यहाँ पर यहाँ पर नाइट होगा यहाँ पर क्राइम तो आप लोग इसको कंप्लीट कर लोगे ओके यस अभी आपको आज इसको सेंड करना अभी आज बुक ए में कंप्लीट करके सेंड करना है जो आपने स्टोरी अभी रीड किया है उसको अंडरलाइन किया उसी को सेंड करना इसको आप सेंड करोगे नहीं केवल आपको इसी को आज सेंड करना है ओके आप सभी को इसी को सही करना है भेजना टिक करके और सभी लोग वर्ड स्पिनिंग लर्न कर लेंगे चैप्टर फोर्थ का जल्दी टेस्ट आपको देना चाहिए फोर्थ की वर्ड स्पिनिंग का लाइक किया सभी लोग ना तो अभी हम कल सारे सेंड कर देंगे लिंक तो आप लोग टेस्ट देना कल चैप्टर फोर की वर्ड स्पिनिंग का ओके ओके गुड बाय कौन सा चैप्टर गुड बाय बेटा गुड बाय गुड बाय